टीम 22 पे आपने पिछले साल किया हुआ एक वीडियो देखा होगा, रखा सुत दिवसो या रखा सुत दिवसन। ये वीडियो इस बारे में है कि जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, वो एक बुद्ध परंपरा का या समन परंपरा का या जो भारत की मूल निवासी परंपरा है उसका है, और इसका धागा बांधने का, जो सूत बांधने का चरण कैसे हुआ और क्यों वो तब्दील हुआ, इस बारे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ उसका लिंक नीचे शेयर किया गया है। ये जो वीडियो है ये उस वीडियो का एक सप्लीमेंट्री है। एक प्रश्न आया है, प्रश्न ये आया है कि जो परित्राण पाठ के अंदर, यानी जो भिक्खु जब घर पे जाके और तीक्ष्ण पंचशील का पाठ करते हैं और भी जो पाठ करते हैं और समझाते हैं उसके बारे में, तो उसके बाद एक धागा चारों तरफ बांधते हैं, वो पूरे घर के मेंबर्स के, सफ़ेद धागा होता है जिसको 3 बार लपेट के बांधते हैं, उस धागे को बाद में वो हाथों में बांधते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये धागे बांधने की परंपरा ठीक है या नहीं है। में बहुत स्पष्ट सी मत और स्पष्ट सा बात है कि धागे बांधने की परंपरा कोई बौद्ध समय में या भगवान बुद्ध के समय में नहीं है। मगर जब उपोषत करते थे, उपोषत का मतलब है कि जब विनय के नियमों का या जितने भी सूत होते थे जब उनका पठन पाठन करते थे, खासतौर से विनय के नियमों का, यानी कि भिक्खु बनने के नियमों का, तो हर महीने में 4 बार ऐसे नियमों का नंबर आता था, इसको उपोषत बोलते थे। तो वहाँ एक बाउंड्री बनाई जाती थी, वो खुले में, बगीचे में या झोंपड़ी में या कहीं दीवार बना के एक बाउंड्री बनाई जाती थी, और उस बाउंड्री में वही लोग आते थे जो लीगल होते थे, और उस बाउंड्री की चारों तरफ से एक लाइन बनाई जाती थी, एक लकीर बनाई जाती थी। बाद में उसको धागे से बांधना भी हुआ, वो इसलिए थी कि इसमें जो लोग लीगल हैं, जिन लोगों को इसमें आना है वही लोग आएँ, 21 प्रकार के लोग उसमें नहीं आ सकते थे, ऐसा वर्णन उसमें दिया हुआ है। उस धागे को, यानी कि जो पूरी पूरी जो परिमाप थी या पूरा पूरा जो सर्कल था, उस धागे को ही बांधा जाता है ताकि लीगल हो, एक परंपरा सी उसकी बनाई हुई है, बाकी उस परंपरा का आज की डेट में कोई औचित्य है नहीं। रही धागा बांधने की बात, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि मैत्री भाव से जो धागा बांधा जाता है, अगर आपको लगता है कि धागे की आवश्यकता नहीं है और आपके पास मैत्री वैसे ही रहती है और मैत्री वैसे ही आ जाती है, मैत्ता भावना वैसे ही आ जाती है, फ्रेंडशिप की जो फीलिंग है वैसे ही आ जाती है, तो आप धागा ना बांधें। मगर अगर आपको लगातार याद रखना है कि मैंने तीक्ष्ण लिया है, पंचशील लिया है और ये मेरा धागा मुझे बार बार याद दिला रहा है, तो आप उसे बांध भी सकते हैं। ये कोई परंपरा या कोई रिजिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बांधें या ना बांधें ये आपकी मर्जी के ऊपर है, इसकी कोई परंपरा कहीं भी नहीं है, क्योंकि धागा बहुत पहले था भी नहीं, तो धागे जब थे ही नहीं तो धागे बंधने आए कहाँ से। मगर जो रक्षाबंधन का जो सूत्र है, जो हाथों में बांधा जाता है, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ, क्योंकि जो रखा हुई है वो सूत की हुई है, सूत जो 84,000 सूत थे उनकी रखा हुई है, और उनकी रखा को जब एक साथ बांधा गया है तो उसको रखा सूत दिवसो या रखा सूत दिवस, यानी उस दिन के लिए बोलते हैं, इसी को रक्षाबंधन दिवस भी बोला जाता है। धन्यवाद।